कल हम लोगों ने क्रिया पढ़ा हुआ था, कल क्रिया पढ़ा हुआ था, आज उसी क्रिया के जो एग्जाम में आए हैं आपके क्वेश्चन उनको लगाते हैं, ठीक है। क्रिया के ऐसे क्वेश्चन लगाते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। तो देखेंगे, ठीक है, क्रिया के एग्जाम्पल। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सी सकर्मक क्रिया का वाक्य है? सकर्मक यानी कि जिसमें कर्म है। मंदाकिनी सोती है, बालिका निबंध लिख रही है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं और बालक खिलौना पाकर तैर हंसता है, ठीक है। तो खिलौना पाकर हंसता है, तो देखिए हंसना, ठीक है, कैसी क्रिया हो गई? हंसना। क्या हंसता है? ठीक है, क्या हंसता है? अरे हंसी हंसता है, कोई जवाब नहीं मिला ना, हटा दीजिए। फिर उसके बाद देखिए उड़ना, ठीक है, ठीक है, तो उड़ना भी कोई क्रिया नहीं हो गई, ठीक है। क्या लिखती है? क्या लिखती है? निबंध लिखती है। आपको जवाब मिला क्या? निबंध। या निबंध जब आप पैसिव बनाएंगे तो निबंध से ही इसकी पैसिव बन जाएगी, अ लेटर वॉज रिटन, ठीक है। तो निबंध यहां पर यानी कि ये आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगी, इसमें जो है निबंध है ये आपका कर्म हो जाएगा, बालिका निबंध लिखती है, ठीक है, तो ये आपका कर्म हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, ठीक है, मैं कौन सा क्रिया है? इसमें पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक में क्या होती? दो क्रियाएं एक साथ होती, मतलब दो क्रिया एक के बाद एक क्रिया होती पूर्वकालिक में। दूसरा दे रखा प्रेरणार्थक, हाँ बिल्कुल, ये प्रेरणार्थक क्रिया है, ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया, इसमें प्रेरणा मिल रही है, राम लक्ष्मण से कार्य करवा रहा है यानी कि प्रेरणा मिल रही है। संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया में होती है दो क्रियाएं जोड़ी जाती हैं, और अपूर्ण क्रिया तो ये कुछ है नहीं, यानी कि इसमें होगी प्रेरणार्थक क्रिया। अगला दे रखा है कि सकर्मक क्रिया किसमें आई है? शिशु सो रहा है, क्या कर रहा है? क्या सो रहा है? सो रहा है, सो रहा है, क्या सो रहा है, यानी कि ये सकर्मक नहीं अकर्मक हो गई, ठीक है। अगला है बालक खेल रहा है, ठीक है, बालक खेल रहा है। फिर उसके बाद हो गई कि छात्र पढ़ रहा है, ठीक है, छात्र पढ़ रहा है। फिर उसके बाद जो हो गई कि छात्र छात्रा लिख रही है, तो क्या लिख रही है? क्या लिख रही है? निबंध लिख रही है, तो निबंध इसमें उत्तर मिल गया, ये तो हो गई सकर्मक। पढ़ रही, क्या पढ़ रही? निबंध पढ़ रही, इसका सकर्मक हो गया। खेल रहा, क्या खेल रहा? फुटबॉल खेल रहा, सकर्मक, यानी कि ये आपका अकर्मक हो गया, यानी कि अकर्मक ही पूछा गया, कर्मक कौन सी है ये हो जाएगी, ठीक है। अगला है, ठीक है, अगला है कि कह रहा है कि ये कृतवाचिका है, मरम वचन जब सीता बोला, ठीक है, मरम वचन जब सीता बोला, ठीक है, मरम वचन जब सीता बोला, तो इसमें कौन सा वाच्य है? कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है, ठीक है, या कौन सा वाच्य है इसमें पूछा गया है, ठीक है ना। तो देखिए मरम वचन, ये लाइन कहाँ की है? जब हनुमान जी अशोक वाटिका जाते हैं उस समय की ये लाइन है, मरम वचन यानी कि जो हृदय को पिघला देने वाले ऐसे वचन बोला, जब सीता को बोला, यानी कि हनुमान जी ने ऐसे मर्म वचन यानी कि हृदय के, ठीक है, हृदय वाले वचन, हृदय हृदय वाले वचन जो है मरम वचन यानी कि रोने वाले वचन जो है जब सीता को बोला, ठीक है, तो उस तरीके की लाइन है। तो इसमें कौन सा वाच्य? देखिए हृदय या मर्म की बात आ गई तो यहाँ पे भाव वाच्य आ जाए, क्योंकि भावनाएं कहाँ होती हैं? हृदय में होती है। मरम वच्य यानी कि मर्म, मर्मिस होता है क्या? मर्मिस होता है हृदय या ममता, यानी कि ऐसे वाक्यों को, ऐसी चीज को बोला वो, तो वो जो है क्या कहते हैं, भाव हो गए, हृदय से ले लेंगे, भाव का ले लेंगे, ठीक है। आगे देखिए चार क्रिया दे रखी है, कौन कौन सी सकर्मक क्रिया है? दौड़ना, मुस्कुराना, उठना। दौड़ना, मुस्कुराना, दौड़ना, मुस्कुराना, रोठना, पीना, रोठना, पीना, ठीक है, ये क्रिया हो गई। तो इस क्रिया में देखिए क्या है, दौड़ना, क्या दौड़ता है? अरे दौड़ दौड़ता है, और क्या दौड़ता? कोई वस्तु मिली, नहीं मिली। मुस्कुराता, क्या मुस्कुराता है? अरे मुस्कान मुस्कुराता है, और कोई क्रिया नहीं मिली, यानी कि ये अकर्मक हो गई। रूठ जाता है, क्या रूठता है? रूठता है, तो रूठता है, यानी कि अकर्मक हो गई। सकर्मक क्या? पीता है, क्या पीता? पानी पीता है। आपको आंसर मिला ना, क्या पीता है? पानी पीता है। किसको पीता है? पानी को पीता है। किसको पीता है? को लगा दीजिए, किसको पीता है? पानी को पीता है, ठीक है, किसको पीता है? पानी को पीता है, यानी कि पानी यहाँ पे सकर्मक हो गई, यहाँ पे लग जाएगी। किसको पीता है? पानी को पीता है। क्या पीता है? पानी पीता है। तो ये आपका
ऐसे हो जाएगा। अगला है, अगला ये कह रहा है कि मैं चला, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा एक जो है सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ, यानी कि कर्म है। मैं चला, ठीक है, मैं चला है, मैं चला हो गया। फिर इसके बाद लड़का सो रहा है, सोना क्रिया हो गई इसमें, ठीक है। फिर इसके बाद है वह नहाता है, नहाना क्रिया हो गई, नहाना क्रिया हो गई। फिर उसके बाद लड़की सिल रही है, तो सिल रही है ये क्रिया हो गई। तो क्या चला, अरे चला तो चला, किसको चला ये भी नहीं हो गया। क्या सो रहा है, किसको सो रहा है, कोई जवाब नहीं मिला। नहा रहा है, क्या नहा रहा है, अरे नहाना नहाना होता है, किसको नहा रहा है, कोई जवाब नहीं मिला। सिल रही है, क्या सिल रही है, हाँ कपड़ा सिल रही है, जवाब मिला ना, कपड़ा सिल रही, यानी कि यह सकर्म हो रहा। किसको सिल रही है, किसको, ठीक है, किसको सिल रही है, कपड़े को सिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जवाब मिल गया। तो जिसमें आपका जवाब मिल जाए तो वो आपका हो जाता है ये, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अकर्मक क्रिया हो गई, काटना, ठीक है, काटना, धोना, काटना धोना, बोना रोना, बोना रोना, ठीक है। ये काटा, क्या काटा, पेड़ काटा, जवाब मिला ना, तो ये सकर्मक हो गई। धोया, क्या धोया, कपड़ा धोया, ठीक है, तो ये सकर्मक हो गई। बोना, क्या बोया, बीज बोया, तो ये क्या हो गई, सकर्मक हो गई, ठीक है। रोना, क्या रोया, अरे रोया रोया, क्या रोया, क्या, कोई जवाब नहीं मिला, यानी कि ये अकर्मक हो गई, इसमें कर्म नहीं है। यानी कि जब आप क्या कहेंगे तो इसमें जवाब नहीं मिलेगा। यदि आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है क्रिया का, तो पहला वीडियो देखिए, उसको समझिए, तब जाके जो है ये आपको समझ में आएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया बताइए। मैं पुस्तक पढ़ता हूं, तो पढ़ना, ठीक है, क्रिया हो गई पढ़ना। फिर ये जी तुम्हारा, ये चीजें तुम्हारा जी ललचाती है, ललचाना, ललचाना, ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद है रमेश सोता है, सोना, ठीक है, सोना। फिर इसके बाद है वह अपना सिर खुजलाता है, खुजलाना, खुजलाना, ठीक है। तो इसमें क्या बताना है, इसमें आपको बताना है अकर्मक क्रिया बताना। क्या पढ़ता है, निबंध पढ़ता है, बिल्कुल जवाब दिया जा सकता है, यह सकर्मक हो गई। यानी कि क्या पढ़ता है, निबंध पढ़ता है, अगर आपको जवाब मिलेगा तो यानी कि सकर्मक होगी। क्या पढ़ता है, निबंध, तो सकर्मक हो गई। ये चीजें तुम्हारा जी ललचाती हैं, क्या ललचाती हैं, ये चीजें, ठीक है, तो ये चीजें जो है ये सकर्मक हो गई। वो क्या खुजलाता है, अपना सिर खुजलाता है, सकर्मक हो गया। सोना, क्या सोता है, अरे सोता है क्या, ठीक है। तो ये जो है आपकी अकर्मक हो गई, सोना अकर्मक हो गई आपकी क्रिया, ठीक है, सोना अकर्मक हो गई। फिर उसके बाद है निम्नलिखित में से किसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ, पिता उसे पढ़ाते हैं, तो यहाँ पे दूसरे के द्वारा किया जा रहा है, यानी कि प्रेरणा मिल रही है। फिर दूसरा दे रखा है राम नहीं पढ़ता है, तो राम स्वयं करता है, राम नहीं पढ़ता है, यानी कि यहाँ पे स्वयं का मामला है, तो स्वयं का जो मामला होता है वहां प्रेरणार्थक नहीं होती है। तीसरा दीजिए, ये अध्यापक से पढ़वाते हैं, अध्यापक यानी कि किसी की दूसरे के द्वारा काम हो रहा है, तो यानी कि प्रेरणा से हो रहा है। अध्यापक परिश्रम करते हैं, अध्यापक परिश्रम कराते हैं, ठीक है, यानी कि दूसरे से करवा रहे हैं, तो यहां पर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अगला है, अगला कह रहा है कि अकर्मक क्रिया बताना है, पानी बरस रहा है, बरस, ठीक है, बरस रहा है, पानी बरस रहा है। मैं गेहूं पिसवाता हूं, ठीक है। फिर उसके बाद है श्याम निबंध लिखता है, ठीक है। उसके बाद जो है राम मोहन को रुला रहा है, ठीक है। निम्नलिखित अकर्मक क्रिया कह रहा है, कौन सी अकर्मक, ठीक है। राम मोहन को रुला रहा है, ठीक है, ये चीज राम मोहन को रुला रहा है, ये चीज हो गई। अब देखिए इसमें थोड़ा सा लफड़ा है, पानी बरस रहा है, ठीक है, ये पानी बरस रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या लफड़ा है, गेहूं पिसवाता है, तो इसमें जवाब मिला ना, गेहूं मिला, ठीक है, यानी कि कैसी हो गई, सकर्मक हो गई। इसमें क्या लिखता है, निबंध लिखता है, तो आपको जवाब मिला, बिल्कुल मिला, ठीक है, ये
सकर्मक हो गई। लेकिन इसमें देखिए राम मोहन को रुला रहा है, राम मोहन को रुला रहा। अगर आप केवल रुलाना देखेंगे तो ये केवल और केवल आपको अगर रुलाना आ जाए तो ये रुलाना जो हो जाएगा ये आपके अकर्मक क्रिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस को देखिए, राम मोहन को आ जा रहा, लेकिन इस सेंटेंस में ये जो है अकर्म सकर्मक क्रिया हो गई, क्योंकि को लग गया यानी कि ये कर्म को लेने लगी है, तो इसीलिए सकर्मक हो गई है यहाँ पर। तो ये भी यहाँ पे कुछ सकर्मक है, पानी बरस रहा है, इट इज रेनिंग, ठीक है, इट इज रेनिंग, ये इसकी इंग्लिश हो जाएगी। अब इसका आप पैसु बनाओगे तो नहीं बनेगा, क्या जो है इट इज रेनिंग, इसकी जो है क्या कहते हैं पैसु नहीं बनेगी। तो जिसकी पैसु नहीं बनेगी तो ये आपका नहीं होगा, ठीक है, बाकी इसकी पैसु बन जाएगी, ठीक है। क्या बरस रहा, पानी बरस रहा, उत्तर तो मिल जा रहा है, लेकिन इसकी पैसिव नहीं बन रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो एक्सेप्शन केस हो ही जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद कह रहे हैं कि लड़का सोता है, ठीक है, लड़का सोता, सोना कौन सी क्रिया हो गई, अकर्मक हो गई, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से क्रिया को पहचानिए, ठीक है, तो क्रिया को पहचानिए क्या, उठ है, उठना है, पढ़ है, काम है, तो क्रिया क्या हो गई, उठना, उठना क्रिया हो गई, उठना क्रिया हो गई, क्योंकि इसमें ना प्रत्यय लग गया और उठ धातु लगा है, बाकी सब क्या है, धातु है, बाकी सब धातु हो गई, ठीक है, बाकी सब धातु हो गई। मूल धातु को पहचानिए, जो मूल हो, आना जाना ये वो, तो आ धातु जो हो गई, आ, आना जाना खाना पीना, तो आ जो हो गई ये मूल धातु हो गई, आ आ आ, ठीक है। अगला है खेल खेलवाना, ये कैसी क्रिया हो गई, प्रेरणार्थक, ठीक है, फिर उसके बाद है मैं घर जाता हूं, मैं घर जाता हूं, इसमें कह रहा है कि मैं घर जाता हूं, मुख्य क्रिया की पहचान करिए, तो जाना ही क्या हो गई, ये मुख्य क्रिया हो गई, ठीक है, मुख्य क्रिया हो, और हूं जो है ये सहायक क्रिया हो गई, ठीक है, ये सहायक क्रिया हो गई, ठीक है, ये चीज हो गई। अब उसके बाद कह रहा है कि सकर्मक क्रिया नहीं है, राम फल खाता है, ये तो सकर्मक है, क्या खाता है, फल खाता है, तो खाना आपकी जो है सकर्मक क्रिया हो जाती है, ठीक है, खाना। फिर उसके बाद सीता गीत गाती है, क्या गाती है, गीत गाती है, तो इसमें भी ये सकर्मक हो गई, गाना, ठीक है, सकर्मक हो गया, ये भी हो गया। फिर अगला कह रहा है कि डाकिया चिट्ठी लाया, क्या लाया, चिट्ठी लाया, इसमें जवाब मिला। राधा रोती है, रोने में क्या रोती है, रोती है तो रोती है, कई तीन चार टाइप का थोड़ी ना हो गया, तो ये आपकी अकर्मक हो गई, तो ये अकर्मक हो जाती है, ठीक है ना, ये अकर्मक हो जाती है। फिर उसके बाद जो है कह रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद है, हाँ, मुझसे खाया नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है, तो मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे पिया नहीं जाता, मुझसे ये नहीं होता, मुझसे वो नहीं होता, कौन सा वाच्य होता, भाव वाच्य होता है, ठीक है ना, इसमें भाव वाच्य होता है, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसमें जो है पूर्वकालिक क्रिया है, पूर्वकालिक का मतलब है पूर्वकालिक क्रिया है, यानी कि सीता घर पर बैठी थी, एक ही क्रिया है, वह कल आया था, एक ही क्रिया, राम मोहन को मारकर भाग गया, तो पहले मारा और फिर भाग गया, दो काम हुए ना, पहले मारा फिर भाग गया, तो मारना जो हो गई इसकी पूर्वकालिक क्रिया हो गई, ये हो गया, ठीक है। फिर अगला है लेख लिखा गया, वाक्य में कौन सा वाच्य है, तो जो है कृतवाच्य क्रमवाच्य है, भाई लेख लिखा गया किसी दूसरे के द्वारा लिखा गया, और जो दूसरे के द्वारा लिखा जाता तो कौन सा वाच्य हो जाता, कर्मवाच्य हो जाता, दूसरे के द्वारा काम, या प्रेरणार्थक क्रिया होती या कर्मवाच्य हो जाता है, पैसिव वॉइस हो जाती है, ठीक है, तो ये पैसिव वॉइस हो गई। फिर उसके बाद है कि उसके बाद है ये कि क्रिया के जिस रूपांतरण से वाक्यगत कर्ता की प्रधानता का बोध होता है, तो कर्ता की प्रधानता का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, कर्तवाच कहते हैं, ठीक है, कर्ता की प्रधानता का बोध होता है ये कर्तवाच कहते हैं।
तो ये कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में पिछले साल पूछे गए थे, ठीक है, पिछले सालों में पूछे गए थे, ये आपको जो है बताए गए हैं, ठीक है। और यदि आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में कह के पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो आपकी क्रिया हो गई, अब अगला लेसन होगा क्रिया विशेषण, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।